गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, देखो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर, यानी कि हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। डेसिमल नंबर जिसका बेस 10 होता है, बाइनरी नंबर जिसका बेस 2 होता है, ये तो क्लियर है। द डिवीजन मेथड इज यूज टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, यानी कि डिवीजन मेथड भाग विधि से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करेंगे। टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप्स हैं बेटा, देखो डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2, ठीक है। जो भी हमें डेसिमल नंबर दिया होगा उसको हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 इज द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसा बता चुके हैं। राइट द रिमाइंडर टू द राइट ऑफ द डिवाइडेंट, यानी कि डिवाइडेंट के राइट हैंड साइड में हम उसको क्या रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक है बेटा, जो भी बचता है उसको लिखते हैं। रिमाइंडर वी विल बी 0 फॉर इवन नंबर, यानी कि जो भी इवन नंबर होगा हमारा, जैसे इवन नंबर क्या होते हैं 2, 4, 6, 8, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं इवन नंबर, तो उनका रिमाइंडर क्या होता है 0। एंड 1 फॉर ऑड नंबर, 1 होता है हमारा ऑड नंबर की, जैसे 3, 5, 7, ये हमारे ऑड नंबर हैं। थर्ड नंबर द क्वांटेंट बिकम्स द डिवाइडेंट फॉर द नेक्स्ट डिवीजन, जो भी क्वांटेंट होता है उसको नेक्स्ट डिवीजन के लिए रख लेते हैं, ठीक है। कीप डिवाइडिंग द क्वांटेंट बाई 2 अंटिल इट बिकम्स 0, यानी कि जब तक 0 हमारा रिमाइंडर 0 ना बच जाए, ठीक है, जब तक हमारा क्वांटेंट 0 ना आ जाए तब तक हम उसे 2 से डिवाइड करते रहते हैं। राइट द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर टू गेट इट्स बाइनरी इक्विलेंट, यानी बाइनरी इक्विलेंट के लिए हम उसको बेटा रिवर्स यानी कि नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द कन्वर्जन टू कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे बेटा। देखो कन्वर्ट द डेसिमल नंबर, जैसे कि डेसिमल नंबर हमें दिया हुआ है 3, 3, नीचे बेटा ब्रैकेट के नीचे देखो 10 लिखा है, तो हम समझ जाएंगे हमारा कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसका बेस 10 है, इनटू अ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर हमें चेंज करना है। देखो एग्जाम्पल हमारा 3, 3, यानी कि 33 हमने बीच में रखा, जैसा कि बताया हमें बाइनरी में चेंज किया है, तो हम किससे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 2 बन जा 2, यानी कि तो हमने 1 नीचे लिखा, देखो 1, हम 33 के नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है, अलग से करके भी देख सकते हो आप, जैसे 2 बन जा 2, तो हमने 1 नीचे लिख दिया और 3 में से 2 गए तो कितना बचा हमारा 1, और हमारे पास 3 कितना हुआ 13, तो 2 6 जा 12, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा 1, 1 हमने राइट हैंड साइड में लिख लिया। ऐसे हम 16 में फिर डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, तो 8 हमारा नीचे आ गया और हमारा रिमाइंडर कितना बचा 0। इसी टाइप से बेटा फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो 2 नीचे आ गए, रिमाइंडर 0 0 हमने राइट हैंड साइड में लिखा। वैसे फिर से भी सर 2 से किया तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 बचा, 1 नीचे लिख दिया, 2 1 जा 1, मन यानी कि छोटा है, तो देखो उसके नीचे 0 आ गया, हमारा 1 इधर पहुंच गया, क्लियर। देखो फिर नीचे से हम लिखना है, राइट द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर टू गेट अ बाइनरी नंबर, ठीक है, बाइनरी नंबर प्राप्त करने के लिए हम नीचे से लिखना से शुरू करते हैं, तो कैसे लिखेंगे 1 0 0 0 0 1, ठीक है, और इस पर बेस हमारा क्या लग जाएगा 2। दूसरा एग्जांपल है बेटा, ये देखो ऐसे ये सेम 2 से 2 बन जा 1, 1 नीचे आ गया, 2 2 जा 4, तो 2 नीचे आ गए, क्वांटेंट हमारा बचा, ठीक है, आप इसको अलग से भी करके देख सकते हो, ठीक है, घटा घटा के, अगर इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप एक मिनट पेंसिल से, ठीक है बेटा, आप इसको अलग से भी ऐसे करके देख सकते हो, जैसे कि हमारा बेटा ये है,
256, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको अलग ही भी करके देख सकते हैं। जो देखो ऐसे 2 से 2 बन जा 2, यहाँ पे हमारा 0 बचा, 2 2 जा 4, यहाँ पे हमारा 1 बचा, फिर 2 3 जा 6, ठीक है। वन हमने सिक्स देखो क्लियर, यहाँ पे देखो जैसे कि 2 से बेटा डिवाइड किया, ये देखो 2 से क्लियर, देखो 2 बन जा 2, हमारा 0 आया, फिर 2 2 जा 4, क्लियर। 1 बचा 16, नीचे 6 लिखा, फिर 2 8 जा 16, हमारे यहाँ पे 0, यानी कि हमारा कितना बचा क्वांटेंट 128, यानी कि 128। ऐसे ही है बेटा, इसमें ऐसे ही करते हैं। इसमें हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0, देखो रिमाइंडर एंड में हमारा क्या आया, 0, तो हमने 0 हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया। ऐसे इसको किया है कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।